वेस्ट इंडीज के बारबाडोस में भारत के हाथ वर्ल्ड कप आया, वैसे राजा भैया क्यों करने लगे बिगेस्ट मैच फिक्सिंग के बाद। राजा भैया के समर्थकों ने लोकसभा चुनाव में यूपी में इंडिया के अगुवा अखिलेश यादव का साथ दिया, लेकिन अब राहुल को क्यों राजा भैया कहने लगे, आप हैं मैच फिक्सर। राजा भैया की ओर से जारी ये तस्वीर किसको देने वाली है टेंशन, जानिए पूरी कहानी। बारबाडोस में मैच खत्म हुआ, भारत की जीत के साथ ही भारत कई दिनों तक के लिए जश्न का माहौल बन गया, लेकिन उसी जीत के बाद प्रतापगढ़ की भदरी रियासत के राजा और यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया ने एक बात कही जिसे जानेंगे तो यही कहेंगे राजा भैया के दिलो दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। जो बातें राजा भैया ने कही वो किसके लिए संकेत थे, अब राजा भैया के इस मैसेज को हर कोई डिकोड अपने अपने तर्कों के आधार पर कर रहा। राजा भैया ने जो बात कही उससे तीन तरह के संदेश निकलते हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानिए आखिर राजा भैया ने कहा क्या। प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के राजा और यूपी के बाहुबली नेता राजा भैया का एक सोशल मीडिया पोस्ट इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। राजा भैया के इस पोस्ट पर जबरदस्त तरीके से चर्चा हो रही है। इस पोस्ट में किए गए दावों में निशाने पर जो आए हैं वो इस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के दोस्त हैं। अखिलेश यादव वही जिनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को राजा भैया के न्यूट्रल रहने के कारण उनके समर्थकों की ओर से जबरदस्त समर्थन मिला। राजा भैया ने अपने इस पोस्ट के जरिए राहुल गांधी के नाना जवाहरलाल नेहरू को सीधा टारगेट किया। दरअसल राजा भैया के सोशल मीडिया एक्स एक ट्वीट हुआ है और साथ में एक फोटो भी शेयर की गई है। फोटो के कैप्शन में लिखा है, आप सभी लोग इस प्रकरण को भली भांति समझते होंगे, ऐतिहासिक है, सत्य है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि राजा भैया के सोशल मीडिया अकाउंट से जो फोटो पोस्ट हुई है उसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो है। फोटो के ऊपर लिखा हुआ है बिगेस्ट मैच फिक्सिंग इन इंडियन हिस्ट्री। फोटो के नीचे लिखा हुआ है पटेल सर स्कोर 12 और नेहरू स्कोर 0। दरअसल राजा भैया के सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई है वो 1946 कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से जुड़ी है। दरअसल बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होना था, जो भी कांग्रेस अध्यक्ष बनता वही आगे जाकर देश का पहला प्रधानमंत्री बनता, चुनाव प्रांतीय कमेटी को करना था। इस दौरान जो हुआ वो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए विवादित हो गया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो कांग्रेस की 15 प्रांतीय कमेटी में से 12 कमेटी सरदार पटेल के पक्ष में थी, बाकी 3 कमेटी भी नेहरू के पक्ष में नहीं थी। माना जाता है कि इस दौरान महात्मा गांधी नेहरू के समर्थन में थे। ऐसे में प्रांतीय कमेटी और कांग्रेस नेताओं के चुनाव में सरदार पटेल को समर्थन करने के बाद भी नेहरू को अपना समर्थन दे दिया, यहाँ तक कि खुद पटेल ने भी नेहरू को अपना समर्थन दिया। भारतीय इतिहास में अक्सर कांग्रेस की इस बैठक का जिक्र होता है और उसको लेकर हमेशा विवाद होता रहता है, लेकिन इतिहास की बात को राजा भैया ने वर्तमान राजनीति से क्यों कनेक्ट किया, राजा भैया की ओर से कांग्रेस पर किए गए वार के क्या मायने हो सकते हैं। मैसेज नंबर 1, बीजेपी का विश्वास जीतना चाहते हूं। मैसेज नंबर 2, राहुल का साथ छोड़ने के लिए शायद अखिलेश पर दबाव बना रहे हूं। मैसेज नंबर 3, इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में गए समर्थकों को अब फिर से पुराने रास्ते पर आने का आदेश दिया हो। बहरहाल राजा भैया की ओर से किए गए दावे से कांग्रेस में कुछ ना कुछ तो फिर से हलचल होगी, या फिर अखिलेश को इनडायरेक्टली राजा भैया कह रहे हो हमारा आपका साथ बस इतने दिनों का ही था।